हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और लेट्स सी कि सितंबर का महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। मैं मंथली प्रेडिक्शन कर रही थी, पाइसन की कर रही थी, एंड ही वाज कंटीन्यूअसली समथिंग वाज सेइंग इन माय हेड कि पहले मंथली प्रेडिक्शन करो, लाइक पूरा मंथ कैसा रहने वाला है वो करो। तो आई जस्ट सेड दैट गिव मी किंग ऑफ सोर्ड्स पाइसन की रीडिंग में ही कि अगर मुझे मंथली पहले करनी है, एंड द मोमेंट मैंने फर्स्ट कार्ड स्टार कार्ड था हटाया, पीछे किंग ऑफ सोर्ड्स था, तो मेरे को वो वीडियो बंद करनी पड़ी एंड हैव कम टू दिस वीडियो। सो लेट्स सी कि सितंबर का महीना ओवरऑल जो है हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है सितंबर के महीने की, क्या लेके आने वाला है सितंबर का महीना। सो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स मंथ ऑफ सितंबर ओवरऑल एनर्जी, हाउ मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस। सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, हमें क्या देखने को मिलेगा। ओके लेट्स सी सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड जो है वो वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि एक्चुअली अगले स्टेप्स लेने का, अब नेक्स्ट कदम लेने का कार्ड होता है, चॉइसेस करने का कार्ड होता है, पार्टनरशिप्स का कार्ड होता है, एक तरह से अपने ड्रीम शेयर करने का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का कार्ड होता है और प्लान्स को एक्सपैंड करने का कार्ड होता है। तो एक चीज जो मैं पहले कार्ड से ही बोल सकती हूँ दैट जो भी चीजें अभी तक हो रही हैं वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी, सितंबर का महीना जो है उन चीजों को आगे ले जाने का होगा, सही चॉइसेस करने का होगा। डेफिनेटली ग्रोथ है और ये ग्रोथ मुझे वैसी लग रही है जहां पे ये पेड़ है, अगर आप देखो तो इस पेड़ को बहुत बड़ा पेड़ हो है ये और बहुत स्ट्रांग इसकी जड़ें होंगी नीचे, लेकिन इस पेड़ को काट दिया गया था ऊपर से। अब अगर आप देखो तो उस पेड़ को काटकर सीट तो बनी है, वो बैठा तो है, लेकिन उस पेड़ में ब्रांचेस आना शुरू हो गई है। तो समथिंग विच वॉज कट शॉर्ट, कोई चीज जिसको कट कर दिया गया था, जिसकी ग्रोथ को खत्म कर दिया गया था, जिसको ऊपर तक दिखाना दुनिया नहीं देख पा रही थी, वहां से दोबारा ग्रोथ जो है वो शुरू होगी, दोबारा चॉइसेस शुरू होंगी। और ये ग्रोथ जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेड रोज है और एक व्हाइट रोज है, यहाँ पे ये ग्रोथ जो है, नहीं व्हाइट फ्लावर है और लोटस लग रहा है और यहाँ पे रेड रोज है, तो ये ग्रोथ जो है ये मल्टी डायमेंशनल होगी और कहीं ये हो सकता है कि इस ग्रोथ के साथ कुछ कांटे भी हों, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हों वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि एक पुरानी चीज, एक पुरानी बहुत स्टेबल चीज जो है वो हमारी जिंदगी में वापस आएगी, या एक पुरानी सिचुएशन या बहुत स्टेबल एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ में वापस आएगी और हम उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ेंगे। सेकंड कार्ड जो यहाँ पर मेरे हाथ में है दैट इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करता है, क्योंकि चैलेंजेस के एंड का टाइम होता है, चीजें जिनका आप वेट कर रहे हो, एक रिलीफ की एनर्जी होती है, पीसफुलनेस की एनर्जी होती है, डिप्रेशन एंड इसकी एंड डिप्रेशन की या इलनेस के एंड की एनर्जी होती है, और ट्रैवल और रिलोकेशन की एनर्जी होती है। नाउ यहां पर मुझे यहां पर कुछ लिखा है, विटानोवा लिखा है इस पे, और यहाँ पे एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर वो एनर्जी है जहां पर लिटरली ट्रैवल हो सकता है, कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिनको लेकर आपको ट्रैवल करना पड़े, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे आप फैमिली के साथ ट्रैवल करो, हॉलीडे हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, घर की शिफ्टिंग हो सकती है। बट इसके साथ में मुझे ओवरऑल ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत सारी जहां पे लहरें थी, बहुत सारे अप डाउन्स थे, वहां से चैलेंजिंग टाइम्स जो है वो थोड़े से स्मूथ होना शुरू होंगे, एंड दैट कुड बी टुवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ। लेकिन डेफिनेटली मुझे बहुत सारी मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है, बहुत सारी मूवमेंट की एनर्जी, मतलब कुछ डिसीजंस जो बहुत सारी मूवमेंट लाएंगे, एंड दिस कुड ऑल्सो बी टेकन एज जहां पे दो डिफरेंट गुट के लोग जो हैं वो एक साथ आएंगे, या एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर सेट के लोग जो है वो वर्ल्ड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, और दे माइट ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहां से वो अपना, क्योंकि ये ऑरेंज है राइट, सो देर खुड भी जहां से वो अपना जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो अपनी लाइट है, वो दूसरे हिस्सों में दुनिया के बांट सके। नाउ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी जिनके अक्रॉस आपको देखना होगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये बोलती है कि नेगेटिव पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा, जो लॉस हो गया या चीजें जैसे आपने एंटिसिपेट की थी अगर वैसे नहीं हुई तो उस पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, हिडन ब्लेसिंग्स हैं और आपके पास सारे रीजंस हैं कि क्यों आप उन हिडन ब्लेसिंग्स की तरफ देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉस की एनर्जी है ये मुझे बहुत ज्यादा लग रही है,
उन लोगों के साथ जो अनवाइज चॉइसेस जिन्होंने की हैं, जो नेगेटिव एनर्जी में हैं, जिन्होंने नेगेटिव काम किए हैं, जिन्होंने एक तरह से गैम्बलिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिनके मोटिव सही नहीं रहे हैं, उनको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट इस हफ्ता लेकर आने वाला, ये महीना लेकर आने वाला है सितंबर का महीना, सारे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जो गलत एनर्जी में रहे हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनके लिए बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर आने वाला है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सामने ये शो किया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सब खत्म कर दिया, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी छुपे हुए बहुत सारे काम जो है वो बाहर निकल कर आने वाले हैं, उनकी छुपी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर निकल कर आने वाली है। एंड देन इफ यू सी 554 की एनर्जी है, और ये फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक तरह से चीजों को पकड़ के रखने की एनर्जी या रिसोर्सेज को पकड़ के रखने की एनर्जी होती है, मनी को लेकर एक्सट्रीम की एनर्जी होती है, और यहाँ पे ये एनर्जी है जहां पे सारी चीजें जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेंगी। तो अगर मैं बोलूं कि सितंबर का महीना बहुत सारी रिवेलेशंस लेकर आने वाला है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको पीहू, बहुत सारी चीजें जो हैं आपको एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में दिखेंगी, मतलब आप सारी चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाओगे। तो अगर ओवरऑल एनर्जी सितंबर के महीने की बोलूं तो चॉइसेस हैं, ट्रैवल है, डिसअपॉइंटमेंट्स के बियॉन्ड देखना है, इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखनी है और क्लोज नहीं होना है चीजों को लेकर, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब बिल्कुल जैसी हैं वैसी सामने आएंगी और वो हमें दिखाई भी देंगी। तो सितंबर का महीना जो है वो पावरफुल चेंजेस अगर मैं बोलूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आइडियली मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो पावर आती हुई दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर कुछ और एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं सितंबर के महीने में। पहला स्टार कार्ड है और वो विश्वास रखिए कि फ्यूचर जो है ब्राइट है, सपने जो सच होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे और चैलेंजिंग टाइम्स जो है वो एंड होंगे, टनल के एंड में रोशनी है। तो एक तो कुछ चीजों का रोशनी में आना, कुछ स्टार्स का रोशनी में आना, कुछ पानी, कुछ चीजें जो छुपा के रखी गई थी उनका बाहर आना, सही जगह पे फ्लो करना, सही रिसोर्सेज का सही हाथ में आना, वो एनर्जी जो दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप की एनर्जी, फॉरगिवनेस की, चैलेंजेस के खत्म होने की, एक्सचेंजेस की, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ कनेक्ट होने की एनर्जी है, नई पार्टनरशिप्स की एनर्जी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कुछ पार्टनरशिप्स रोशनी में आएंगी, कुछ पार्टनरशिप सामने आएंगी, कुछ लोग सामने आएंगे, कुछ नई पार्टनरशिप्स होंगी, कुछ नए कनेक्शंस बनेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है वो लीडरशिप की एनर्जी होती है और स्पॉटलाइट में आने की एनर्जी होती है, लोगों के सामने आने की एनर्जी होती है, बड़ी पिक्चर देखने की एनर्जी होती है, अपनी विजन जो है उसको कम्युनिकेट करने की एनर्जी होती है। बट इसमें एक चीज़ होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिटिसिज्म को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। तो क्रिटिसिज्म होगा लेकिन सम लीडर इज गोइंग टू इमर्ज, और इस तरह से इमर्ज होगा जहां पे हो सकता है कि बहुत सारी रिवेलेशंस आए, बहुत सारी चीज़ें आए, बहुत सारी क्लैरिटीज आए और उसके साथ में बहुत सारे कनेक्शंस सामने आए। चैरिट है, अगर आप देखें तो चैरिट हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब है कि हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलना, सक्सेस आना, बाकी नॉर्मल एनर्जी से कहीं ज्यादा ऊपर उठना, अपने आप को अलग तरह से देखना, अपनी विल पावर जो है उसको अलग तरह से देखना और रिकग्निशन होना, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे इफ यू सी ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट जो है टावर कार्ड है और वो स्पिरिचुअल ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और यहाँ पे टावर टूट चुका है ऑलरेडी और अब उसको रीबिल्ड किया जा रहा है नए तरीके से, सारी क्लैरिटी के साथ। इफ यू सी सारे लोग यहां पर हैं और वो टावर को रीबिल्ड कर रहे हैं जो ऑलरेडी टूट चुका था। तो यहां पे एक ऐसा सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस जिसमें चेंजेस हो गए हैं, अनएक्सपेक्टेड रिवेलेशंस हो चुकी हैं और प्रोक्रेस्टिनेशंस जो हैं खत्म हो गई हैं, पुरानी बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, टाइमर जो है लगभग पूरा हो गया है। तो सितंबर का महीना बाय एंड ऑफ इट मुझे लगता है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, बहुत सारे रिवेलेशंस लेकर आएगा, बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। एक लीडर आप अलग तरह से एक लीडर को रिकग्नाइज कर पाओगे, देख पाओगे, कुछ कनेक्शंस, कुछ बहुत पावरफुल मैसेजेस जो हैं वो सितंबर का महीना हमारे लिए लेके आएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू सी इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, सो व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू सी। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी जो है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इफ यू सी देयर इज एन इल्यूजन, और इल्यूजन क्यों है, रैबिट होल्स हैं, और रैबिट होल्स में आपको नहीं पता होता कौन से होल से कौन सा रैबिट कब बाहर निकलेगा, कब अंदर चला जाएगा, तो यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड विद रैबिट होल्स। तो रैबिट होल्स हैं, दैट मीन्स दैट बहुत सारे रैबिट होल्स खुलेंगे और उनमें से बहुत सारे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये रैबिट होल्स जो है वो खुलेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे छुपे हुए राज सामने आएंगे जो अभी तक बिल्कुल भी सामने नहीं थे। फिर उसी किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी वो उसने अपनी ड्रेस उठाई और वहां से एक बुल जो है वो बाहर निकल रहा है। दिस वॉज ऑल्सो हिडन, राइट? तो बहुत सारी हिडन चीजें जो है बाहर आएंगी, बहुत सारी हिडन एनर्जीज जो है बाहर आएंगी। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी इसकी ड्रेस है और उसके अंदर से इफ यू सी बर्ड्स आर कमिंग आउट हियर, द बर्ड्स आर कमिंग आउट। बहुत हिडन चीजों के बाहर के आने की एनर्जी ही मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड दीज आर गोइंग टू बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, क्योंकि कैंडल लैंड जो है ये आपके इमेजिनेशन में ही हो सकती है, रियल नहीं हो सकती। सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर कैंडल लैंड आपके सामने आ जाए तो यू विल बी लाइक ओके दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये हो सकता था क्या, ये हुआ क्या। तो दैट इज द एनर्जी। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी, अथॉरिटीज की एनर्जी, पावर की एनर्जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी बनती है और 4+3, 5, 6, 7 की एनर्जी बनती है। तो अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर का महीना कुछ ऐसे छुपे हुए राज, छुपी हुई चीजें, छुपी हुई रिवेलेशंस, छुपे हुए एनर्जीज, छुपी हुई मैसेजेस, लाइक दिस इज गोइंग टू बी बियॉन्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये जो है ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही इम्पैक्ट करेगा, लाइक बहुत सारी हिडन चीजें जो आपकी लाइफ में थी वो बाहर आएंगी, बहुत सारी हिडन एबिलिटीज हो सकता है आप अपनी सीखें। और कैंडल एंड रियल होना मतलब बहुत सारे ड्रीम्स आपके जो हैं वो फुलफिल होंगे और वो रियलिटी में आपके सामने आएंगे। तो सितंबर का महीना मुझे बहुत ही पावरफुल महीना लग रहा है। और यस, दिस इज कंफर्म्ड अगेन, क्योंकि फूल कार्ड आया है, तो दिस इज लाइक अ लीप ऑफ फेथ। और लीप ऑफ फेथ कहां पहुंचा रहा है? एस ऑफ सोर्ड्स पे लीप ऑफ फेथ पहुंचा रहा है आपको, एक नई एनर्जी पे, एक नई कम्युनिकेशन पे, एक नई बिगनिंग पे। वो लॉलीपॉप खा रही है इफ यू सी, और वो लॉलीपॉप जो है वो क्राइंग फेस बना रही है बिकॉज इट इज गोइंग टू एंड, राइट? बट इट वॉज मेंट टू एंड ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के अंत की एनर्जी और कुछ चीजों के आरंभ, अंत ही आरंभ है। वाओ, दिस इज लुकिंग लाइक दैट। 0, 1 अगर इसको ऐसे कर दो तो 1, 0, 10 अंत ही आरंभ है। आरंभ और अंत दोनों की एनर्जी एक साथ अगर आपको कभी देखने को मिलने वाली है तो वो ये सितंबर का महीना होने वाला है। वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और मुझे लगता है कि ये अभी ही वीडियो बनना जरूरी था। एंड व्हेन आई वाज सेइंग अंत ही आरंभ है, उस वक्त वीडियो 1 मिनट 11 मिनट 47 सेकंड के आसपास हुई थी। ओके, सो मैं एक पोस्ट कार्ड से भी कार्ड निकाल देती हूँ। मे बी द एनर्जी फ्लो वॉज दिस एंड दैट इज वाई ही वॉन्टेड मी टू मेक अ वीडियो लाइक राइट नाउ। Let's see, guides, angels, postcard. What is the message? What is the message? Okay, I will. What is the message? Okay, so postcard से देखते हैं क्या message आया है। मैं हिंदी में पढ़ूंगी, English आप खुद भी पढ़ सकते हैं। डियर यू, अनसर्टेनिटी जो है वो नॉर्मल है दुनिया के लिए इस टाइम पे। ओके, न्यू नॉर्मल क्या है? अनसर्टेनिटी है। तो बहुत सारी चीजों में अनसर्टेनिटी होने वाली है। चीजें जो है वो बहुत रैपिड प्लेस पेस पे चेंज होने वाली हैं। पुराने तरीके जो ट्रस्टेड थे अब वो रिलायबल नहीं होंगे। लेकिन फेमिलियर पीछे छोड़ना जो है, और फेमिलियर चीजें पीछे छोड़ना जो है वो अच्छा हो सकता है। जब आपको पुश किया जाता है अननोन में जाने के लिए तो आप एक नई डिस्कवरी की तरफ, एक नई पॉसिबिलिटी तरफ मूव होते हैं जिनमें आप हिडन चीजों को देख सकते हैं। और अपनी हायर पावर जो है, अपनी हायर पावर में चेक इन कीजिए। आपकी सोल को पता है, आपकी स्मॉल सेल्फ से ज्यादा आपकी सोल को पता है। विश्वास रखिए कि आपकी हायर पावर को सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। इन्फिनिट पोटेंशियल है आपकी लाइफ के लिए राइट नाउ। इस वक्त एडवाइस जो है आपके लिए वो ये है कि कुछ नया करने की ट्राई कीजिए, कुछ डिफरेंट करने की ट्राई कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको यू वॉन्ट नो हाउ इट फील्स, वॉट इट looks like and what the outcome will be if you don't take that first step into the unknown and experience the unfamiliarity. तो आपको पता ही नहीं होगा जब तक आप वो पहला step नहीं लोगे। ये जो कार्ड है ये बोल रहा है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नई चीज, जब अनफेमिलिटी अननोन में जाओगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि ये कैसा महसूस होता है, ये कैसा होता है। और आपको, आप खुश होंगे कि आपने ट्राई किया, क्योंकि ऐसे ट्रेजर्स आपके सामने आएंगे। हम बहुत प्राउड हैं कि आप ब्रेव हो और आप इस चीज को ट्राई कर रहे हो। यू आर लव्ड एंड सो सपोर्टेड, आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको बहुत सारा प्यार है। और यहाँ पे इफ यू सी क्यूपिड इज, क्यूपिड यूजली ये एरो चलाता है राइट, और यहाँ पे क्यूपिड जो है कुछ प्ले करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बजाने की कोशिश
कोशिश कर रहा है, क्यूपिड कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है, दैट्स द एनर्जी। उसके पास बो तो है लेकिन वो उस बो को नहीं, बो और एरो को नहीं बजा रहा है, बो उसके पीठ में है एंड वो कुछ और सीखने की कोशिश कर रहा है। गेट इन टू द, और यहाँ पे क्यूपिड के नीचे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट लुक्स लाइक अ, ये मुझे बैट लग रही है, लाइक बैट एनर्जी, चमगादड़ बैट की एनर्जी लग रही है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग इन टू अनफेमिलियर, और ये कार्ड्स भी वैसे ही हैं। हम एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में जा रहे हैं जहां पे चेंज जो है, नया नॉर्मल जो है वो डिफरेंट होने वाला है, जो हमारे लिए पहले नॉर्मल था वो अब नॉर्मल नहीं होने वाला है, और अब हमें रेडी होना पड़ेगा उस अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द चार्म। ये स्नोफ्लेक है, स्नोफ्लेक नहीं, स्नोमैन है। ये बहुत एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, जिसमें डबल ड्यूल बटरफ्लाई है। ये नेविगेशन है क्योंकि, और ये एंकर है। सो दिस इज सो सो ब्यूटीफुल। तो ये जो एनर्जी है ये आपको बेसिकली बता रही है कि जो बर्फ है वो पिघलनी ही पिघलनी है, बटरफ्लाई को अपने ककून से बाहर आना ही आना है। कंपस आपके पास है, अपने आप को एंकर्ड रखिए और नेविगेट करके इस नई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाइए, बिकॉज आपको जाना है, वो आइस आपको हटा कर उसके नीचे देखना है। Somebody had messaged me आज 128 पेज का थर्ड पैरा लेने के लिए, और when I was making सुशांत वीडियो उस वक्त मैं वो नहीं ले पाई, यादें दिमाग से ही निकल गया, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है तो maybe it is relevant here, so let's see 128 का थर्ड पैरा 1 2 3। ब्रेव हनुमान स्लू सुरसा द मदर ऑफ डीमन राहु हु टॉर्चर ट्रेवलर्स बाय हर ग्विल। This on one's journey one may meet evil people who will cause distress by their cunning and deceit. So ये एक journey की energy है जहाँ पे illusion की power के बारे में बताया गया है, और negative karma या negative energy या cunning और deceit की power के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है जहाँ पे हनुमान जी जो है वो उनको slew, मतलब उनको एक तरह से ख़त्म कर देते हैं, एक तरह से उनको मार देते हैं, जो एक्चुअली राहु की मदर होती हैं और वो बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करती होती हैं। तो यहाँ पर कनिंग और डिसीट की एनर्जी तो है, लेकिन साथ में उन कनिंग और डिसीट लोगों की मदर, मतलब समबड़ी जो राहु की भी माँ है, उसको मारने की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेवरी की एनर्जी है और बहुत बड़ी एंडिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई होप ये वीडियो आपकी मदद करे, अगर करे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक पहुँचा दीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। लाइक मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि मतलब विजिबल हो वीडियो और लोगों तक पहुँच पाए आसानी से, बट अदरवाइज बिकॉज स्लोली स्लोली वी हैव टू इंक्रीज आर सोल फैमिली, हमें अपनी सोल फैमिली को बढ़ाना भी है, सो दैट पीपल आर गेटिंग इन टू द राइट एनर्जी, और वो कल्कि की एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, इन सारी नए चेंज ऑफ लाइफ को पहचाने और इन सारे चेंजेस, चेंज सर्कमस्टांसेस को अच्छे से फ्लो कर पाए, उनको डिफिकल्टी ना हो, ये नेविगेशन उनके लिए ईजी हो। तो जस्ट टू हेल्प देम, मेक इट रीच देम, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।